जय हिंद बच्चों, आज हम आपके सामने क्रिया और संयुक्त क्रिया इस विषय को लेकर उपस्थित हैं। हम सभी लोग क्रिया के बारे में तो जानते ही हैं, उसके साथ में संयुक्त क्रिया भी होती है, उसी के ऊपर आज हमारा यह वीडियो है। तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दें। क्रिया, हम सभी लोग जानते हैं क्रिया, यहाँ हमने वैसे बोर्ड में लिख भी दिया है कि किसी कार्य या काम के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। और संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया में है जब वाक्य के क्रियापद के भीतर, किसी वाक्य के क्रियापद में एक से अधिक क्रिया हो, क्रिया के पद में एक से अधिक क्रिया हो तो वहां संयुक्त क्रिया होती है। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए लिया है उदाहरण, वैसे जबलपुर संगमरमर की नगरी है, हमारा ये इस वाक्य से जीके भी बढ़ जाता है, हमको एक नई जानकारी मिल जाती है कि जबलपुर को संगमरमर की नगरी के नाम से जाना जाता है। तो जबलपुर संगमरमर की नगरी है, संयुक्त क्रिया में हम उसे लिखते हैं कि जबलपुर को संगमरमर की नगरी के नाम से जाना जाता है। यहां पे है जो है वो क्रिया है इस वाक्य में, और यहां पे जाना जाता है, ये जाना जाता है, ये संयुक्त क्रिया है। ऐसे ही हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कान्हा नेशनल पार्क, ये भी मध्य प्रदेश से ही है और एक राष्ट्रीय उद्यान है। तो कान्हा नेशनल पार्क में अनेक वन्य जीव हैं, यहां पे है जो है ये क्रिया है। संयुक्त क्रिया में देखें कि कान्हा नेशनल पार्क में अनेक वन्य जीव पाए जाते हैं, यहां जो पाए जाते हैं ये यहां पे संयुक्त क्रिया है। ऐसे ही जो है तीसरा उदाहरण है, यह भी मध्य प्रदेश के ही दर्शनीय स्थलों से लिया गया है, तो पंचमढ़ी शायद आप लोग गए होंगे, देखा भी होगा कि पंचमढ़ी जो है कितना खूबसूरत है। तो पंचमढ़ी दर्शनीय स्थान है, पंचमढ़ी दर्शनीय स्थान है, यहां है जो है ये यहां पे क्रिया है। इसको लिखा गया है कि अनेक पर्यटक, हम देखते हैं संयुक्त क्रिया में अनेक पर्यटक पंचमढ़ी देखने आते हैं, जो शब्द है क्रियापद में जो क्रिया आए हैं यहां पे शब्द देखने आते हैं, तो अनेक पर्यटक पंचमढ़ी देखने आते हैं, देखने आते हैं, ये यहां पे संयुक्त क्रिया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि क्रिया और संयुक्त क्रिया में क्या अंतर है। क्रिया में एक क्रिया होती है और संयुक्त क्रिया में क्रियापद के साथ में एक से अधिक क्रियाएं होती है, उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। तो यह वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगले नए वीडियो के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। सभी को जय हिंद।